हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुमीट पर। मैं क्रिश आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का बड़ा ही अच्छा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं हम क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अगला आता है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज। उसके बाद कुछ आते हैं साइड्स एंड एंगल्स। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेंट। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट टॉपिक हमारा चेंज ऑफ एंगल्स एंड रेशियो। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने से पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री ये तीन शब्द से बना है, ट्राइग्नोमेट्रोन। ये तीन शब्द हैं, ये कौन सी लैंग्वेज के है, हमारे ग्रीक लैंग्वेज के। ये तीन वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के। ये क्या क्या बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इन तीनों वर्ड में छुपा हुआ है, इसका जान लेते हैं। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ग्नो का मतलब होता है साइड्स, और मेंड्रोन का मतलब होता है मेजर, कोई भी चीज को मेजर करना। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है किसकी, साइड्स एंड एंगल्स। साइड और एंगल्स किसके, एक ट्राइंगल के। मतलब स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ये था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, और को मैं रब कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम सबसे पहले जानेंगे, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टोटल 6 होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। मेनली ये तीन होते हैं, तीन ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बाकी तीन बच गए वो इनके होते हैं रिवर्स। साइन का रिवर्स होता है हमारे पास कोसेक थीटा, कोस का रिवर्स होता है हमारे पास सेक थीटा, टेन का रिवर्स होता है हमारे पास कोर थीटा। ये जो तीन रेशो है लास्ट वाले, ये पहले तीन के रिवर्स होते हैं। ये है हमारे पास रेशोस। ये 6 रेशोस है, इनको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। अब ये रेशोस है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं ये हम आगे जानेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ये तो होते हैं हमारे पास 6 क्वाड्रेंट्स, सॉरी 6 रेशो। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, टेबल के अंदर 0 से लेके 90 तक वैल्यूज दी हुई है। 0 डिग्री से, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के एंगल तक हमें क्या दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है किसमें, टेबल, ठीक है। तो किसकी वैल्यूज गिवन है, जो 6 रेशोज हमने अभी पढ़े हैं उनकी वैल्यूज हमें क्या है, गिवन है। कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है देख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तीन अपने को टेबल के अंदर वैल्यू नहीं पता, बाय चांस पेपर में अगर हम भूल जाते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। ये तीन रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे यूनिक रेशोज है। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन जीरो की, सबसे पहले साइन जीरो, जीरो वन टू थ्री फोर काउंटिंग लिख लेंगे, जीरो वन टू थ्री और फोर। सबको डिवाइड कर देंगे किससे, फोर से। सबको किससे डिवाइड कर दो, फोर से। सबको किससे डिवाइड कर दो, फोर से। और सारों को क्या कर दो, रूट। सारों का क्या कर दो, रूट। यहां से हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, देखते हैं। जीरो, जीरो बाय फोर कितना होता है हमारा, जीरो होता है। वन का रूट क्या होता है, वन, और फोर का रूट हमारे पास कितना आ गया, वन बाय टू, रूट टू, वन डिवाइड बाय
2, 2 1 2, 2 2 4 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारी, 1 का रूट 1 और 2 का रूट क्या होता है हमारे पास 1/√2। रूट 3 का रूट रूट 3, 4 का रूट कितना होता है 2, वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास √3/2। 4/4 1, 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। साइन जो हमारा रेशियो है इन सबकी वैल्यूज हमने निकाल ली है। क्या किया, सबसे पहले काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड किया, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद उसका क्या किया रूट किया, तो हमारे पास वैल्यूज निकल के आती है ये। अकेले साइन से हम पूरा टेबल बना सकते हैं, तो देखते हैं कैसे। अब कोस की वैल्यू हमें चाहिए, उल्टा लिखना स्टार्ट करो, 1√3/2, 1/√2, ये हमारा इधर आएगा 1/2 और ये हमारा इधर आएगा 0। जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है हमारा, वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूं तो हमें क्या मिलता है टेन थीटा मिलता है। क्या मिलता है टेन थीटा। टेन थीटा किसका रिवर्स होता है कोट थीटा का, यानी कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आसान है, तो देखते हैं कैसे। जीरो को किससे डिवाइड किया 1 से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए टेन थीटा की। हमने अभी जाना टेन थीटा होता क्या है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा जीरो डिवाइड बाय 1, साइन डिवाइड बाय कोस कितना हो गया 0, 1/√2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 1, ठीक है वैल्यू आ गई। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा √3। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है नॉट डिफाइंड। अच्छा, दो टर्म्स आती है नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी, क्या नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी, दो टर्म्स होती है नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी। अब हम नॉट डिफाइंड को इस टेबल के अंदर इंफिनिटी क्यों नहीं लिख सकते, इसके अंदर भी एक फैक्चुअल बात है कि नॉट डिफाइंड की वैल्यू हमें पता होती है। नॉट डिफाइंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/0, लेकिन इंफिनिटी को हमें कुछ नहीं पता, इंफिनिटी का सिर्फ साइन गिवन होता है हमें, ये 8 सुता हुआ, 8 सुता हुआ, लेटा हुआ 8, ये किसका साइन होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन नॉट डिफाइंड की हमारे पास वैल्यू होती है। इसलिए इस टेबल के अंदर हम क्या यूज करते हैं नॉट डिफाइंड, और क्या यूज नहीं करते इंफिनिटी। एक क्वेश्चन था सर का, हमारे सर का ये पूछा था, उसका आंसर ये होगा नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी, ठीक है समझ में आ गया। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात भी कर ली। अब इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज गिवन है, कुछ एंगल्स है, कुछ क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं हम इसके बाद। देखो क्वाड्रेंट, अब ये साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये किस किस पे बेस है, हम ट्राइंगल की बात करनी है, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। देखो अभी पता लग जाता है, ये साइन थीटा कोस थीटा कोसाइन थीटा हमने पढ़ तो लिया, लेकिन ये किसके लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं, और कौन से ट्राइंगल की, यानी कि साइड और एंगल तो हम पढ़ रहे हैं, कौन से ट्राइंगल का हम साइड और एंगल पढ़ रहे हैं। ट्राइग्नोमेट्री पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, पूरी का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल पे बेस है राइट एंगल ट्रायंगल के। ये हमारा राइट ट्रायंगल है, राइट कितने का होता है 90 डिग्री का, जो सबसे बेस होता है हमारा ये होता है बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है हमारा हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस सारा का सारा सेम रहता है, कभी भी हाइपोटेनिस बदलता नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल। जब जब एंगल चेंज होगा होगा तब तक परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होते रहेंगे चेंज होते रहेंगे, और हाइपोटेनिस हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। जो हमारा हाइपोटेनिस है वो हमारा क्या रहेगा सेम। चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि थ्योरम बोलती है 6.8 सिक्स पॉइंट थ्योरम ये बोलती है एक राइट ट्रायंगल के अंदर दो छोटी साइड का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। यानी कि 6.8 थ्योरम किसके बारे में बात कर रही है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये सारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है, ठीक है।
जो हमने परपेंडिकुलर और बेस होता है वो अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे साइन थीटा कोस थीटा और वो उनको हम यूज कैसे करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये पढ़ा था। ये तीन रेशियोज हमने इंपोर्टेंट पढ़े थे, और जो बच गए कौन कौन से बच गए हमारे पास, वो सैक बच गया, सैक थीटा बच गया, और कौन सा बच गया, कोट थीटा। ये हमारे पास बच गए तीन रेशो। ये इनका क्या होता है, ये इनके रिवर्स होते हैं, ये इनके क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। ठीक है, अब इनका यूज कैसे करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, सुना ही होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है। ये हमारी पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय एच, ये क्या होती है हमारी साइन थीटा। ठीक है, बी बाय एच, बी बाय एच ये क्या होता है हमारा कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। पी बाय बी ये हमारा क्या होता है टेन थीटा, ये हमारा क्या होता है टेन थीटा। वैसे भी डिवाइड करके देखो एच एच कैंसिल, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा पी बाय बी, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पी बाय बी। और ये जो तीन रेशियोज बच गए ये इनके क्या हो जाएंगे, रिवर्स। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी, ये हो जाएगा एच बाई बी, और ये हो जाएगा बी बाई पी। किसका उल्टा, ये कोट है हमारे पास, ये सेक है, और ये हमारे पास क्या है कोसेक थीटा। ये हमारे रेशियोज थे, इनको हम ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बेस पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब कट करते हैं तो उसको छोड़ो एक बार, तो हम इस चैप्टर पे आ जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें अगला टॉपिक दिया हुआ है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज और इक्वेशन में मैंने आपको फर्क बताया था। आइडेंटिटीज की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इक्वेशन की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। आइडेंटिटीज गिवन है इस चैप्टर में कौन कौन सी भाई, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है, वन है एक आइडेंटिटीज। सेकेंड क्या है हमारी, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। तीसरा आता है हमारे पास वन प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वेयर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। ये आइडेंटिटीज होती है, ये तीन इस चैप्टर में आइडेंटिटीज गिवन है। यहाँ पे ये वन हमेशा रहेगा, ये दोनों का सम हमेशा सेक स्क्वेयर थीटा रहेगा, इन दोनों का सम हमेशा कोसेक स्क्वेयर थीटा रहेगा। इन आइडेंटिटीज की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, थीटा यहाँ पे बदलता रहता है, थीटा चेंज होता रहता है, लेकिन आंसर इन दोनों का प्लस करने पर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज है। अब हम बात कर रहे थे कि एंगल कैसे चेंज होते हैं और किस में चेंज होते हैं। मैंने बताया था कि एंगल्स भी चेंज होते हैं, कौन कौन से एंगल चेंज होते हैं। अब इसके अंदर हम छह रेशो की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट उनमें से तीन ही है, साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा। इन तीन पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस है, जो बच गए तीन वो इनके ही क्या है, रिवर्स है। साइन 90 पे चेंज होता है कोस में, कोस 90 पे चेंज होता है सेक थीटा में, टेन 90 पे चेंज होता है किस में चेंज होता है भाई, टेन 90 पे चेंज होता है कोट थीटा में, और सेक 90 किस पे चेंज होता है हमारा कोसेक थीटा में। ये हमारे एंगल्स होते हैं, ये 90 पे चेंज होते हैं। ठीक है, अब ये 90 पे ही क्यों चेंज होते हैं, अब बात आ जाती है यहाँ पे क्वाड्रेंट की। किसकी बात आ जाती है, क्वाड्रेंट की। ये जो डिग्रीज होती है, ये वैल्यूज होती है, 90 पे ही क्यों चेंज होता है, देखो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है हमारी एक्स एक्सिस ग्राफ की, ये है हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब बात चल रही थी कि या ये 90 डिग्री पे ही एंगल चेंज क्यों होते हैं, 90 डिग्री पे चेंज एंगल इसलिए होते हैं क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है पूरा 360 का होता है, और जो एक क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री का।
90 डिग्री से अगर अबव चला जाता है क्वाड्रेंट, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, यहां से इसमें, यहां से इसमें, यहां से इसमें, ऐसे वैल्यूज आगे बढ़ती रहती है। इसलिए 90 यहां पे कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, इससे आगे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज चली जाती है। ये एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से बड़ा जाने पर सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, यानी कि इससे अगले क्वाड्रेंट में चला जाता है, इसलिए 90 डिग्री पे वैल्यू जो हमारी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज का यूज कैसे होगा इस चैप्टर में, इस आइडेंटिटीज का यूज ऐसे होगा कि आपको बोलेगा साइन सेक थीटा को किसकी टर्म में लिखो, कोट थीटा की टर्म में, या साइन थीटा को किसकी फॉर्म में लिखो, सेक थीटा की फॉर्म में। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको इसमें बदल, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से हमें क्या होगा, चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू इस चैप्टर का। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।